हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा इस फार्मेसी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नेटिव का हेयर एनालिसिस कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अपने हाथों का हेयर एनालिसिस करवाना तो नीचे देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, वहां मिलेगी मेरे आपको इंस्टा आईडी। आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपके हाथ की एनालिसिस कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं इनकी छोटी उंगली से। जैसे कि मैं देख सकता हूँ इनका जो लिटिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर से लगभग इस मुकाम से थोड़ी नीचे आ रही है, जो एसिनिटी को दर्शाता है कि इनका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल वीक रह सकता है, थोड़े साई नेचर के भी रह सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनका जो रिंग फिंगर है ये भी अच्छे मुकाम तक गया हुई है, जो इम्यूनिटी को दर्शाता है कि ये थोड़े रिस्क टेकर हैं, अपने लाइफ में रिस्क लेके चलते हैं। और मिडिल फिंगर काफ़ी ऊँचे मुकाम तक है, जैसे नेटिव को दर्शाता है कि इनके पास थोड़ी लीडरशिप की क्वालिटी भी हो सकती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनका जो इंडेक्स फिंगर है ये लगभग रिंग फिंगर के बराबर भी मान सकता हूँ, ऐसे नेटिव को मैं दर्शाता है कि अपनी लाइफ को बैलेंस भी लेके थोड़ा चलते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके फिंगर्स के बीच में गैप्स नहीं है, ये थोड़े साई नेचर के भी होते हैं। और फिंगर्स की जो मोटाई है यहाँ पे थोड़ी थिक लग रही है, तो इनके पास थोड़ा स्टैमिना है, फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। और थोड़ा ये अकेला रहना भी ज्यादा पसंद करते हैं। इसी के साथ आप बात करता हूँ यहाँ पे इनके पाल्म की। तो ओवरऑल में पाल्म देखा जाऊं तो ये स्क्वायरिश शेप बना रहा है। तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जिस किसी का भी स्क्वायरिश शेप होता है वह बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, अपने काम को पूरे मेहनत से करते हैं। तो अब बात करता हूँ इनके पर्वतों की। जैसे कि मैं देख सकता हूँ इनका जो जुपिटर माउंट है ये काफ़ी उभरा हुआ है और काफ़ी अच्छा स्पेस लिया हुआ है, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं और साथ ही साथ थोड़ा डोमिनेंट भी होते हैं। इनको हाई फेम भी मिलती है अपने लाइफ में और लीडरशिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ इनका जो सैटर्न माउंट है ये थोड़ा अंदर दबा है लेकिन ऊंचे मुकाम तक है। सैटर्न माउंट का मतलब होता है आपके कंधे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आने वाले समय में इनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, हार्ड वर्किंग रहेंगे नेचर के और साथ ही साथ अकेला रहना भी ज़्यादा इन्हें पसंद रहेगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोलो माउंट जो है ये काफ़ी अच्छा है, ये भी ऊँचे मुकाम तक गई भी है और स्पेस भी ज़्यादा ली हुई है लेकिन अंदर दबी भी है। लेकिन अपोलो माउंट के नीचे मैं एक लाइन देख सकता हूँ, ये दो लाइन, तो ये लाइंस दर्शाते हैं मल्टी टैलेंटेड के, ये दो लाइंस। और ये जो अपने लाइफ में जो काम करते हैं उस काम के बदौलत काफ़ी अच्छा फेम कमाएंगे ये अपने लाइफ में। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्करी माउंट जो है ये फ्लफी है लेकिन थोड़ा झुका है, तो फ्लफी का मतलब होता है कि यहाँ पे इनका जो बिजनेस लाइन में अगर ये कुछ काम करना चाहते हैं तो वो अच्छा योग बन सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे झुकाव के कारण इनका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल वीक हो सकता है, पर्सनैलिटी में थोड़ा डेवलपमेंट की जरूरत है। तो अब बात करते हैं इनकी रेखाओं की। जैसा कि मैं देख सकता हूँ इनकी जो हर्ट लाइन है यहाँ से काफी स्ट्रेट है और ये जुपिटर माउंट तक गई हुई है, तो जैसे नेचर को दर्शाता है कि ये इमोशनल तो होते हैं लेकिन अपने बातों को अंदर दबा के रखते हैं, अपने दूसरों से शेयर कम करते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये हर्ट लाइन के स्टार्टिंग में कुछ फ्लर्ट लाइन नहीं देख रहे, तो एसिनिटी को दर्शाता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं और साथ ही साथ इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब बात करूँ माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन में देख सकता हूँ यहाँ पे ये माइंड लाइन दो भागों में बटा है, एसिनिटी को दर्शाता है कि ये अपने लाइफ में या अपने करियर को लेके थोड़ा स्टार्टिंग फेज में थोड़ा कंफ्यूज रहे होंगे। ये दो भाग ये भी दर्शाता है कि इनके पास थोड़ा मल्टी टैलेंटेड का भी स्किल है लेकिन ज्यादा चांसेस होता है कि अपने करियर को लेके थोड़ा कंफ्यूज रहे होंगे। और स्टार्टिंग में मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये कुछ आइलैंड जैसा आकृति बन रही है, तो इस आइलैंड को अच्छा नहीं माना जाता। इनका स्टार्टिंग फेज चाइल्डहुड जो है इनका थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा है, फैमिली में थोड़े बंद के रहे हैं और साथ ही साथ डिटेल्ड पर्सन है ही लेकिन थोड़ा करियर को लेके या जॉब को लेके कंफ्यूज है।
और इसी के साथ बात करूँ यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में देख सकता हूँ ये काफी अच्छी खासी स्ट्रेट है, नीचे की तरफ बेंड होके जा रही है, डार्क है। तो ऐसे लाइफ लाइन के लगभग लगभग इनका जो एज बनता है 70 से 72 साल के आसपास इनका एज बनता है। इनकी जो लाइफ होगी काफी हेल्दी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लाइफ लाइन में ये एक रेखा यहाँ आके कट रही है और यहाँ पे एक रेखा आके कट रही है। तो ये रेखा लगभग आपका जो एज बताता है एक 24 से 25 साल का एज बताता है अप्रॉक्स, और ये जो आपका एक रेखा एक एज बताता है ये आपका 35 के आसपास एज बताता है। और ये जो बड़ी वाली रेखा है जो काट रही है लक लाइन को भी, जो दर्शाता है कि इस एज में इस नेटिव के पास थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी हो सकती है हेल्थ इशू के साथ साथ। और फिर उसके बाद इनका लाइफ काफी स्मूथ चलेगा, और इसी के साथ साथ सिस्टर लाइफ लाइन भी यहाँ पे है जो फैमिली सपोर्ट भी रहेगी इनके पास। और अब बात करूँ इनकी लक लाइन की, लक लाइन में मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मून माउंट से निकल के इनका लक लाइन आ रहा है और यहाँ से कुछ छूट रहा है, फिर यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक लक लाइन ऊपर तक जा रहा है छूट के। तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि ये मून माउंट से जो जिनका भी लक लाइन चलता है वो काफी हाईली इमेजिनेटिव नेचर के होते हैं, डे ड्रीमर भी होते हैं, सपने ज्यादा देखते हैं। और वो सपने को सच करने के लिए इनका जुपिटर माउंट भी काफी अच्छा होना चाहिए, जो मैं देख सकता हूँ इनका जुपिटर माउंट काफी अच्छा खासा उभरा है और स्पेस भी लिया हुआ है। फैसिनेटिव को दर्शाता है कि जो ये अपने लाइफ में सोचते हैं, जो मून माउंट से इनका जो थिंकिंग जेनरेट होता है वो जुपिटर माउंट पूरा करता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ एक और बड़ी तरक्की है, लगभग ओल्ड एज में इनकी एक तरक्की उठ रही है जो काफी बड़ी है। ये एज आपका लगभग 50 के आसपास है। ऐसी रेखा दर्शाती है कि इनके पास खुद का एक घर भी हो सकता है, काफी धन आ सकते हैं इनके लाइफ में। धन के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे मनी ट्रायंगल बननी चाहिए, इनका जो माइंड लाइन है ये लक लाइन है और यहाँ से एक बिजनेस लाइन होके आती है जो यहाँ तक जाती है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगल बन रहा है लेकिन थोड़ा गैप है यहाँ पे। तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि इनके हाथ में धन आती है लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल जो बन रही है ये थोड़ी लाइट में है। साथ ही साथ धन का एक और इंडिकेशन होता है यहाँ पे इनका जो लाइफ लाइन है ये लास्ट में ये फिश का सिंबल बनाता है। ये फिश का सिंबल भी दर्शाता है कि इनके लाइफ में धन भी होंगे, काफी अच्छा धन होंगे, और साथ ही साथ इन्हें ओल्ड एज में यूरिन रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है इनके लाइफ में लेकिन थोड़ा कम है। ये थोड़ा टेंशन लेते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं लेते, प्रेशर भी रहता है इनके ऊपर लेकिन टेंशन थोड़ा कम लेते हैं, खुश मिजाज इंसान के भी रहते हैं ये। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो पॉजिटिव मार्क्स है ये यहाँ पे मैं कुछ लाइंस देख सकता हूँ जो दर्शाता है इनका एग्रेशन, ये काफी एग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो अब बात करते हैं इनके फॉरेन ट्रेवल्स की, जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ट्रेवल्स लाइन यहाँ पे मून माउंट से जनरेट होती है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ एक रेखा है, यहाँ एक रेखा है और यहाँ कुछ कुछ छोटी छोटी रेखाएं हैं जो दर्शाता है कि इनके लाइफ में ट्रेवल्स हैं, फॉरेन ट्रेवल भी है लेकिन फॉरेन सेटलमेंट थोड़ा चांसेस कम है, क्योंकि इनका जो लाइफ लाइन है वो अंदर की तरफ बेंड हो रहा है और यहाँ से कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही है। तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि फॉरेन जाएंगे टूर करेंगे लेकिन इन्हें अपने घर वापस जरूर आना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं थोड़ा डिटेल में देखूँ इनका जो लाइफ लाइन है ये यहाँ से एक रेखा में उठते हुए देख रहा हूँ, ये नेटिव को दर्शाता है कि इनके इस एज में काफी अच्छा खासा तरक्की होने वाला है और ये एज लगभग इनका 35 वर्ष का एज है। लेकिन थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि एक रेखा यहाँ पे आके काट रही है तो थोड़ा संभल के भी रहना होगा। फिर 35 वर्ष के एज के बाद इनका लाइफ थोड़ा स्मूथ चलेगा, काफी अच्छा लाइफ है। और मैरिज लाइफ की बात करें तो यहाँ पे मैं कोई क्रॉस के निशान नहीं देख सकता और साथ ही साथ यहाँ से कोई हर्ट लाइन से यहाँ पे कुछ ब्रांचेस निकल के नहीं आ रही। तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि इनका जो मैरिज हुआ है या होगा अरेंज मैरिज होगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे इनका मैरिज जो हुआ है ये लगभग 50 वर्ष का उम्र लेके मैं चलता हूँ,
इसका आधा मैं मानता हूं 25 वर्ष। तो ये जो रेखा है, ये रेखा लगभग आपका जो एज बनाता है ये 27 वर्ष के आसपास आपका मैरिज है। उससे पहले मैं एक और रेखा देख सकता हूँ, ये थोड़ी छोटी है। तो ये रेखा दर्शाता है कि इस उम्र में ऐसा कोई है इनके लाइफ में या कोई था इनके लाइफ में जो ये काफी इमोशनली और मेंटली अटैच्ड है, ज्यादा चांसेस होती है अफेयर्स की। तो ये जो रेखा दर्शाता है लगभग 23 साल के आसपास या 25 साल के आसपास इनका अफेयर या कोई ऐसा है, क्लोज जिगरी दोस्त भी हो सकता है। लक लाइन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आगे चल के इनका लक थोड़ा वीक होने जा रहा है, थोड़ा लक थोड़ा साथ कम देगी, लेकिन इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका लाइफ थोड़ा स्मूथ रहेगा। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे खरे खरे लाइंस बहुत हैं इनके फिंगर्स में जो दर्शाता है पॉजिटिव साइन। ये कुछ भी काम करेंगे तो काफी अच्छा होगा, फ्रेंडली नेचर के भी रहते हैं ये सबसे। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेखा जो निकल रही है यहाँ पे, ये रेखा लगभग लगभग आपका एज जो है 40 वर्ष तक फैमिली सपोर्ट रहेगी, फिर उसके बाद छूटने की संभावना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।